सुबह से ही तेज बरसात का दौर जारी होने के बावजूद भी विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भारी बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। हालांकि श्रावण अष्टमी नवरात्र का दूसरा नवरात्र है और इस दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु माता जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हालांकि तेज बरसात के कारण और धुंध के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु भारी उत्साह के साथ, आस्था के साथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि श्रवण महीने में मां के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रवण अष्टमी नवरात्र के दौरान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से और प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें ताकि सुव्यवस्था बनी रहे और वे आराम से मां के दर्शन करके अपने घरों को वापस लौट सकें। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु मां ज्वाला की ज्योति के लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्वाला मां का पूजन किया जा रहा है और आज भी बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। वहीं राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने इसके बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा के अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। जय माता की। सभी भक्तों को दूसरे नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष का दूसरा नवरात्र मनाया जा रहा है। मंदिर श्री ज्वालामुखी में आज भी बारिश लगी हुई है, इसलिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने बड़े अच्छे प्रबंध किए हुए हैं और लंगर की व्यवस्था की हुई है। मौसम बड़ा सुहाना है और लोग आज ब्रह्मचारिणी के रूप में महामाई ज्वाला जी के दर्शन कर रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शारदिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता की। मंडी शहर के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग ने फंदा लगाकर जान दे दी। नाबालिग छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये मामला आत्महत्या का पाया गया है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस के अनुसार उक्त नाबालिग ने कमरे में पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी है। काफी समय तक कमरे से बाहर ना निकलने पर परिजनों ने चेक किया तो उसे फंदे से लटका पाया। लड़की के जिंदा होने की उम्मीद पर परिजन उसे जोनल अस्पताल मंडी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पुष्टि डीएसपी करण गुलेरिया ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मंडी शिक्षा उत्थान समिति का कुनवा और पहुंच बढ़ाने के लिए जिला में 3 महीने का महाअभियान छेड़ा जाएगा। इसके तहत जनता और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से जिले भर में अधिक से अधिक लोगों को समिति से जोड़ा जाएगा। समिति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आयोजित मंडी शिक्षा उत्थान समिति की बैठक के उपरांत की जानकारी दी। बैठक में समिति के गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आशुतोष गर्ग ने कहा कि समिति जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत अब तक 312 बच्चों की मदद की जा चुकी है। समाज के अलग अलग तबकों से दान के रूप में करीब 12 लाख रुपए एकत्रित कर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वितरित किए गए हैं। उन्होंने सभी जरूरतमंद बच्चों और दानी सज्जनों से समिति से जुड़ने की अपील की। कहा किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए मदद की जरूरत हो तो मामला समिति के ध्यान में लाएं। जो लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करने के इच्छुक हों वे संबंधित SDM से इसे लेकर मिलें। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय या सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय दूरभाष नंबर 01905224913 पर भी संपर्क किया जा सकता। समिति सदस्य अपने आसपास के लोगों को भी मंडी शिक्षा उत्थान समिति से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। समिति की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए अगली बैठक में गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा। मैनेजिंग टीम बनाई जाएगी। इससे समिति के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। समिति हर 3 महीने में बैठक करेगी। समिति जिन बच्चों की मदद कर रही है उनके लिए जल्द ही एक काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा। इसमें उन सभी बच्चों को बुलाकर उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस दौरान उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी पर जोर दिया जाएगा।